नमस्कार, आज मैं आपको मिक्स पकौड़े बनाना बता रही हूँ। इसके लिए मैंने कढ़ाई में तेल गर्म करने को डाल दिया और साथ ही में मैंने एक कटोरे में दो आलूओं को लंबा लंबा छील के काट लिया। अब इसमें मैंने दो प्याज लंबे लंबे काटे और इसके अंदर वो भी डाल दिए। एक शिमला मिर्ची ली, उसको भी मैंने पतला पतला लंबा लंबा काट के इसमें मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें आधा चम्मच नमक डालूंगी, एक छोटी चम्मच इसके अंदर जीरा गया, एक छोटी चम्मच इसके अंदर अजवाइन डालूंगी और आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डालिए। एक लाल मिर्ची है जिसको मैं मोटा मोटा सा ऐसे काट के इसमें डाल दूंगी टेस्ट के लिए। अब मैं इसमें बेसन ऐड कर रही हूँ। बेसन में अंदाजन एक कटोरी डाला है, अगर ज़्यादा की ज़रूरत हो तो थोड़ा और डाल सकते हैं जब हम गोल बनाते हैं तो। अब उसको डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया। ये देखिए, अब मैं इसमें पानी डालूंगी थोड़ा थोड़ा, एकदम से सारा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाना है। ये देखिए, थोड़ा सा और पानी डाल के मिक्स किया। इसका गोल बड़ा पतला नहीं बनाना है और ना ही बड़ा गाढ़ा बनाना है, सिर्फ इसके ऊपर आलू प्याज और शिमला मिर्च के ऊपर बेसन की कोटिंग होनी चाहिए। ये देखिए, बड़ा गाढ़ा नहीं बनाना है जी। इसको अच्छे से मिला लिया ताकि जो बेसन है इन सब के ऊपर अच्छे से डल जाए। ये देखिए, अब मेरा तेल गर्म है, अच्छे से गर्म हो गया ये तो। अब इसमें मैं धीरे धीरे सब ये गोल जो बनाया है मैंने ऐसे ऐसे इसके अंदर डालती जाऊंगी। ये देखिए, अब इसको एक तरफ से अच्छे से बनाना है हमने। आँच मैंने इसके लिए कम ही कर दी है, अब कम आँच के ऊपर इसको एक तरफ से पहले अच्छे से सेक लेंगे, फिर उसके बाद हमने इसको उल्टा के दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राई कर लेना है, तल लेना है। जब मध्यम सेक पे ही, कम आंच पे ही इसको बनाना है इसको, ताकि जो आलू वगैरह है ना अच्छे से गल जाएंगे। जब एक तरफ से अच्छे गोल्डन हो जाएंगे तो हम इसको पलट के दूसरी तरफ से भी सुनहरा होने तक भून लेंगे, इनको बना लेंगे। अब इसको पलटते हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी क्रिस्पी लग रहे हैं। अब दूसरी तरफ से भी इसको हम कम आंच पे रखेंगे और 5 से 7 मिनट में ये अच्छे से पक जाएंगे। ये देखिए, अब मैंने इनको निकाल लेना है क्योंकि ये दोनों तरफ से अच्छे से बन गए हैं। चलिए, अब इसको निकाल लेती हूँ और जो बाकी बचा हुए थे वो भी मैंने कढ़ाई में डाल दिए हैं पकोड़े बनने के लिए। इनको भी इसी तरह से एक तरफ से पका के फिर उल्टा कर देना दूसरी तरफ से, फिर उसको भी अच्छे से पका लेना है
और हमारे मिक्स वेजिटेबल के पकौड़े रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, चलिए खाइए और बताइए कैसे बने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।